जिले में सड़कों पर हो रही लगातार दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आज जिला कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बैठक रखी गई। मुख्य रूप से सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक बैठक में कई तरह की चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, नगर पालिका, ट्रैफिक विभाग मौजूद थे। सड़कों पर हो रहे लगातार एक्सीडेंटल को लेकर विशेष चर्चा हुई। सड़कों पर जहां अतिक्रमण कर रखा हो, साइन बोर्ड की समस्या हो, सिग्नल को लेकर और जो भी एक्सीडेंटल जोन है उनको विशेष रूप से दिशा निर्देशन देने के लिए इस बैठक में मंथन किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ला, नगर पालिका ट्रैफिक विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक थी सड़क सुरक्षा के बारे में, जिसके अध्यक्ष श्रीमान जिलाधीश महोदय हैं। इसमें जो IR जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको देखा गया, कहाँ कहाँ पर फेटल एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर मृत्यु हो रही है, कहाँ कहाँ पर एक्सीडेंट में लोग गंभीर घायल हो रहे हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है, इन बारे में चर्चा हुई है। इसमें जो शहर में जानवरों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं उसके लिए नगर पालिका को निर्देशित किया गया है। इसमें कई जगह पर अभी टेम्पो का प्लान बनाया जाएगा कि टेम्पो कहाँ पे रुकेंगे, ऑटो कहाँ पे रुकेंगे। साथ ही इसमें अध्यक्ष महोदय ने बहुत इम्पॉर्टेंट एक निर्णय लिया है कि कनावटी की तरफ और भातखेड़ा की तरफ और जेतपुरा की तरफ ऐसे स्थान शासकीय चिन्हित किए जाएंगे जहाँ पर कि ट्रक लोड अनलोड हो सकते हैं और ट्रक वहाँ पर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि अभी ये देखने में आ रहा है कि पूरे शहर में कहीं भी ट्रक खड़े रहते हैं, कहीं भी सामान उतारते रहते हैं। तो ये भी इसमें निर्णय लिया गया है कि शीघ्र ही 15 दिन में तहसीलदार ऐसी सरकारी जगह बताएंगे जिस जहाँ पर ये इनको खड़े होने की जगह दी जाएगी। इस तरीके के काफ़ी सारे निर्णय हुए हैं और जो है उसकी एक महीने बाद फिर पुनः समीक्षा बैठक होगी। सड़क सुरक्षा समिति की उप समिति की बैठक थी, क्योंकि मेन समिति की बैठक अभी हो नहीं पा रही है, माननीय सांसद जी थोड़े से व्यस्त हैं कई, तो इस मामले में इसकी बैठक हुई थी। जो मेन एजेंडाज थे सड़क सुरक्षा को लेकर उस पर चर्चा की गई थी। विशेष तौर पे क्या सड़कों जो दुर्घटनाएं थी उसको भी देखा गया, उस पर बातचीत की लगातार जो हाईवे नेशनल हाईवे में की थी। नहीं, कुछ जो मुद्दे आ रहे थे, कुछ ट्रक के पार्किंग के लिए, साइन बोर्ड के लिए, अतिक्रमण से रिलेटेड और जो एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरिया हैं उनको रेगुलेट करने के लिए इस पर चर्चा हुई थी। जो हाईवे हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा सर, के जो हाईवे जो नेशनल हाईवे हैं? नहीं, हाईवेज पर तो ध्यान दिया भी जा रहा है और नियम का पालन भी किया जा रहा है, और बाकी जगह भी, क्योंकि हाईवे को छोड़कर भी बाकी कई डिस्ट्रिक्ट में एक्सीडेंट्स होते हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।